मैड मैक्स 1979 एक डिस्टोपियन एक्शन फिल्म है जिसे जॉर्ज मिलर ने निर्देशित किया है। यह एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक ऑस्ट्रेलिया में सेट है जहां समाज पतन की कगार पर है और कानून व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। यह फिल्म अपनी तीव्र कार चेज, सख्त माहौल और अपने प्रतिष्ठित एंटी हीरो मैक्स रॉकटैंस्की के निर्माण के लिए जानी जाती है। फिल्म निकट भविष्य में घटित होती है जहां सामाजिक पतन ने एक अराजक माहौल बना दिया है। ऊर्जा संकट ने दुनिया को पंगु बना दिया है और संसाधन बहुत सीमित हैं। शहर खंडहर बन गए हैं और बची हुई मानवता छोटे छोटे कस्बों और चौकियों में बचने की कोशिश कर रही है। मुख्य सड़कें हिंसा और अराजकता का केंद्र बन गई हैं और बची हुई पुलिस ताकत, जिसे मैन फोर्स पेट्रोल MFP कहा जाता है, अपराधियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। ये वही दुनिया है जिसमें फिल्म के पात्र जी रहे हैं। फिल्म के केंद्र में मैक्स रॉकटैंस्की है, जिसे मेल गिब्सन ने निभाया है। मैक्स MFP में एक कुशल और सम्मानित पुलिस अधिकारी है, लेकिन इस अराजक दुनिया में उसे अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शुरू में मैक्स एक पारिवारिक व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे अराजकता बढ़ती है वह अपनी पत्नी जेसी और बेटे स्प्रॉक को खो देता है। फिल्म के मुख्य खलनायक टोए कटर और उसके गैंग हैं जो मोटरसाइकिल से सड़कों पर आतंक फैलाते हैं। उनकी हिंसा और अराजकता ने पूरे क्षेत्र को अपने चंगुल में ले लिया है। वे MFP से डरते नहीं हैं और खुलेआम उनका सामना करते हैं। टोकटर का गिरोह इस ध्वस्त हो चुके समाज का प्रतिनिधित्व करता है जहां कानून और व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैक्स की पत्नी और बच्चे को टोकटर और उसके गिरोह द्वारा मार दिया जाता है तो मैक्स का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह घटना उसे एक बदले की भावना से भर देती है और वह अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर एक प्रतिशोधी योद्धा बन जाता है। फिल्म का अंतिम भाग मैक्स की प्रतिशोध की यात्रा पर केंद्रित है, जहां वह एक एक करके सभी गैंग के सदस्यों को खत्म करता है। पागलपन में गिरावट फिल्म का मुख्य विषय मैक्स की पागलपन की ओर बढ़ती यात्रा है। शुरू में वह एक संतुलित व्यक्ति है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने प्रियजनों को खोता है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है और वह उतना ही क्रूर बन जाता है जितना कि वह पहले जिनके खिलाफ लड़ता था। अराजकता और कानूनहीनता। फिल्म एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। गिरोह के सदस्य इस अराजकता का फायदा उठाते हैं, जबकि मैक्स शुरू में न्याय बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रतिशोध बनाम न्याय फिल्म में प्रतिशोध और न्याय के बीच के पतले अंतर को भी दिखाया गया है। मैक्स का बदलाव एक कानून के रक्षक से प्रतिशोधी में बदल जाता है, जिससे यह सवाल उठता है कि अराजक दुनिया में न्याय की कोई जगह है या नहीं। मैड मैक्स की विरासत। मैड मैक्स एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। इसने मेल गिब्सन को एक वैश्विक स्टार बना दिया और फिल्म ने एक सफल फ्रेंचाइजी को जन्म दिया जो आगे भी कई फिल्मों के रूप में जारी रही। इसके बाद के सीक्वल्स ने भी मैक्स के चरित्र और उस दुनिया को और विस्तार दिया जिसमें वह रहता है।